Vayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार प्रिय छात्रों एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूं आज के अपने इस सत्र में जिसमें हम फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस का जो कोर्स है उसकी हम चर्चा करते हैं और आज अपने इस 14th सेशन में हम अपने जो पिछले सत्र की हमारी बातचीत थी जिसमें हमने संवेद के बारे में उसके मूलभूत अवधारणा और उसके प्रकार और उसके उससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें थी उनको हमने अपने पिछले सत्र में उसकी चर्चा की और आज हम अपने उसी क्रम को चर्चा के उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए हम आज अपनी संवेग की जो प्रक्रिया है उससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसमें सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि किस प्रकार से संवेग हमारे लिए ज़रूरी काम करते हैं यानी उनका क्या महत्व है हमारे जीवन में और किस प्रकार से वो हमें सहयोग करते हैं हमारी फंक्शंस को कैरी ऑन करने में यानी अपने पर्यावरण से हमारा जो सामंजस्य बिठाने में किस प्रकार से वो हमारे लिए सहायक होते हैं और इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इमोशंस जो हमारे संवेग हैं उनको हम रेगुलेट कर सकते हैं यानी कि हम केवल उनके अधीन न होते हुए बल्कि उनको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं इसकी हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम आज कुछ मूलभूत सिद्धांत जो महत्वपूर्ण सिद्धांत संवेद के क्षेत्र में प्रतिपादित किए गए हैं हम आज उनकी भी चर्चा करेंगे तो इस प्रकार से हम आज ये प्रयास करेंगे कि अपने इस सत्र में संवेद की ये जो अवधारणा है इसको हम इसकी एक बेहतर समझ बना सकें और साथ ही साथ हम इसके बारे में एक अपनी मनोवैज्ञानिक समझ विकसित करते हुए एक बेहतर अपनी संवेग की जो धारणा है उसके बारे में अपनी नॉलेज को आज बढ़ाएंगे तो हम अपना इस सत्र का पहला जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है उसके बारे में हम आज बात करेंगे जो फंक्शंस ऑफ इमोशंस की बात हम इसमें करेंगे यानी कि संवेग हमारे लिए कौन से कार्य करता है किस प्रकार से वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और किस तरह से संवेग हमारे लिए केवल एक ऐसा कोई प्रक्रिया तो नहीं है जो बिना किसी पर्पस के यानी बिना किसी फंक्शन के वो केवल मौजूद है या वो केवल हमारे लिए एक डिस्टरबेंस है या वो किसी प्रकार से हमारे लिए कुछ पर्पजिव यानी उसका कुछ महत्व है हमारे जीवन में तो इस पर हम चर्चा करेंगे तो सर्वप्रथम जो विद्वानों में जिस बात को लेकर के एक रूपता है वो इस प्रकार से है कि सर्वप्रथम वो मानते हैं कि जो इमोशंस हैं वो हमारे लिए कोपिंग का, का काम करते हैं यानी कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उससे संबंधित जो भी घटनाएं हो रही हैं चाहे वो हमारे सोशल चेंजेस हों या चाहे हमारे आ, लाइफ में हमारे इंटरपर्सनल लाइफ से लेके हमारे इंटरा पर्सनल कि हमारे स्वयं के अपने हमारे विचार और साथ ही साथ हमारा दूसरों के साथ जो इंट्रेक्शन हो रहा है उन सभी में जिस प्रकार से चीज़ें लगातार बदलती रहती हैं और जो कंटिन्यूस चेंज हो रहा है हमारे सराउंडिंग्स में उस प्रकार के जो भी चेंजेस हैं वो हमारे लिए चैलेंजिंग होते हैं और उन चैलेंजेस से ओवरकम करने में इमोशंस हमारे लिए बहुत बड़े सहायक सिद्ध होते हैं और इसकी जो शुरुआती हम कह सकते हैं कि शोध हुई थी या हम कहें कि शोध न कह के उसको हम कहें कि उसके बारे में जो सर्वप्रथम विचार जो रखे थे चार्ल्स डार्विन ने हालांकि चार्ल्स डार्विन ने जो अठारह में एक अपनी पुस्तक इमोशंस के विषय पे उन्होंने जो लिखी वो उनकी मूल पुस्तक जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ 1859 में उन्होंने पब्लिश की या यूं कहें कि उसको लिखा तो वो किताब उतनी फेमस नहीं हो पाई जो इमोशंस पर उन्होंने लिखी जितनी उनकी दूसरी किताब है हालांकि उसमें भी उन्होंने इस विचार को बहुत ही प्रमुखता से रखा कि इमोशंस ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमारे अलग करेक्टरिस्टिक्स जो फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे लिए जिस प्रकार से सहायक होते हैं किस प्रकार से हमें वो हमारे एनवायरनमेंट में एडेप्ट करने में हेल्प करते हैं चाहे वो आ, किसी जानवर की चोंच का लंबी होना या उसकी गर्दन का लंबी होना या उसकी ओवरऑल हाइट का ज़्यादा होना या कम होना जिस प्रकार से हम अपने वातावरण में एडजस्ट करते हैं तो हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे जो भौतिक गुण हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे उसी वातावरण की सराउंडिंग के अनुसार वो एडेप्ट हो जाते हैं वो उसी की सामंजस्यता में एक प्रकार से ढल जाते हैं तो डार्विन का ये मानना था कि इमोशंस भी हमारे लिए उसी प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और वो हमें हमारे वातावरण में एडेप्ट करने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं और इसके लिए उन्होंने जो जिन उदाहरणों का जो जिक्र किया वो इस प्रकार से थे कि जैसे यदि हम कहीं पर जा रहे हैं और इसमें ज़्यादातर उन्होंने नेचुरल सेटिंग्स यानी जो नेचुरल हैबिटेट की ही बात की और उसमें अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको किसी प्रकार का कोई ख़तरा महसूस होता है तो आपके अंदर एक फियर जनरेट होता है और उस फियर के रिस्पॉन्स में यानी कि आप अब वहाँ पर सर्वाइवल के लिए लड़ते हैं और आपको पता है कि अब हमें यहाँ पर जो भय उत्पन्न है कहीं ना कहीं वो हमें हमारे सर्वाइवल में हेल्प करेगा या फिर अगर कोई आपकी टेरिटरी में आता है कोई आपके एरिया में आता है कोई कोई किसी तरह से आपको कोई नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है तो उस केस में आपके अंदर एग्रेशन जनरेट होगा आपके अंदर एंगर भी आ सकता है तो इस प्रकार से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार से जो इमोशंस हैं वो हमारे लिए एक एडेप्टिव फंक्शन की तरह कार्य करते हैं और इससे हम आ, अपनी सराउंडिंग्स के साथ एक बेटर एडजस्टमेंट के साथ सर्वाइव करते हैं इसके साथ ही साथ ये तो शुरुआती दृष्टिकोण था जो इमोशंस के कोपिंग फंक्शन पे डार्विन का विचार है इसके अलावा बहुत से जो बाद में मनोवैज्ञानिक जिन्होंने संवेद के क्षेत्र में बहुत काम किया उन सभी का ये मानना है लगभग लगभग उसमें एक रूपता है कि कोपिंग की जो स्ट्रेटजी है या जो मैकेनिज्म है उसमें इमोशंस का बहुत बड़ा रोल है और इमोशंस हमारे लिए आ, हम यूँ कह सकते हैं कि वो पर्पजिव भी होते हैं वो हमारे जो व्यवहार है उसको दिशा देते हैं यानी उसको फोकस करते हैं उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ताकि हम जो भी कार्य कर रहे हैं या जिस भी परिस्थिति में हैं हम उसके साथ बेहतर एडजस्ट कर सकें और हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं यानी हमारे पास जो भी क्षमताएं हैं उनको हम उस दिशा में केंद्रित करते हुए कहीं ना कहीं अपने सभी जो हमारे ज़रूरी उस समय हमारे लिए जो भी कार्य होगा हम उसको कर पाएँ यानी कि हमारे एनर्जी रिसोर्सेस को एक केंद्र में उसको फोकस करना ताकि हम एक ऐसा व्यवहार कर सकें जो हमारे लिए उपयुक्त हो या हमारे लिए ज़रूरी हो उस परिस्थिति में तो इस प्रकार से जो इमोशंस हैं वो हमारे लिए कोपिंग का कार्य करते हैं इसमें हम उदाहरण के लिए ये समझ सकते हैं एक अगर एंगर की हम बात करें तो एंगर हमारे लिए एक ऐसा कार्य करता है जब हम कभी भी किसी ऐसी परिस्थिति में होते हैं जब हमको ये फील होता है कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है या हमें हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है तो उस केस में हमें एंगर की अनुभूति होती है और एंगर हमारे लिए वहाँ पर एक इस प्रकार का एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है जिससे हम कहीं ना कहीं जो हमारे ऑब्स्टेकल्स हैं या जिस कंडीशन की वजह से हमें इनजस्टिस महसूस हो रहा है हम उसके अपोजिट किसी प्रकार का कोई व्यवहार करते हैं हो सकता है हम उसके खिलाफ़ यदि हम आज के कंटेम्प्रेरी टाइम में बात करें तो हम उसके खिलाफ़ हो सकता है एक अभिव्यक्ति करें या हम उसके खिलाफ़ एक एक ऐसा अभियान चलाएं जिससे हम अपनी प्रोटेस्ट कह सकते हैं तो यदि हमारे अंदर वो एंगर की भावना नहीं होगी तो हम अपना ये जो कोपिंग बिहेवियर है जो हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं उस घटना के प्रति उसे करने में हमें वो सहूलियत नहीं होगी या यूं कह लें कि हमारी जो एनर्जी उस डायरेक्शन में जो फोकस हो रही है वो बिना इमोशंस के संभव नहीं हो पाएगी इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं जिसमें हम ये देख सकते हैं कि हमें कभी कभी गिल्ट या एम्बेरसमेंट होता है तो उसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण हम देख सकते हैं कि कोपिंग फंक्शन है क्योंकि यदि हम किसी सोशल सेटिंग में हैं और अगर उस सोशल सेटिंग में हमसे कोई ऐसी भूल हो जाए या किसी प्रकार से हमसे कुछ गलती हो जाए जिसकी वजह से अब हम ये जानते हैं या महसूस हमें होता है कि हमसे ये गलती हुई है और ये ऑकवर्ड सिचुएशन बन गई है तो ऐसे स्थिति में हमको एम्बेरसमेंट फील होता है यानी इस तरह की सोशल सिचुएशन में अब हमें ये पता है कि हमसे कुछ गलती हो गई है तो वहाँ पर हम उसको तत्काल सुधारने की कोशिश करते हैं या उसके प्रति हम इस तरह से रिस्पोंड करते हैं कि हम उस परिस्थिति से उस एम्बेरेसिंग सिचुएशन से खुद को निकाल सकें या ख़ुद को एक बेहतर तरीके से वहाँ पर हम प्रस्तुत कर सकें तो इस प्रकार से कोपिंग जो है वो हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उसमें जो कार्य है वो इमोशंस का होता है और हमारे जीवन में तमाम हमारे ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस और तमाम इस प्रकार की हमारे लिए कह सकते हैं चैलेंजिंग सिचुएशंस हमें फेस करनी होती हैं डे टू डे लाइफ में क्योंकि हमारा जो वातावरण है वो बहुत ही डायनामिक होता है और उसमें आ, डेली लाइफ में हमको बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करने होते हैं और ये सभी चैलेंजेस हमको एक डेली बेसिस पे हमें फेस करने होते हैं तो ऐसे में हमारे इमोशंस हमारे लिए एक इनेट टेंडेंसी की तरह और साथ ही साथ हमारा उसमें कॉग्नेटिव फंक्शंस भी इन्वॉल्व होते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं ताकि हम अपनी इन जो भी कठिन परिस्थितियाँ या जो भी हमारे सामने प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उन सभी में हम एक बेहतर व्यक्ति के तौर पे अपना रिस्पांस कर सकें और ये रिस्पांस बहुत हद तक ऑटोमेटिक भी माना जाता है और साथ ही साथ इस पर हमारा कंट्रोल भी होता है तो इस प्रकार से एक बेहतर सामंजस्य बिठाते हुए हम अपनी सराउंडिंग्स से कोप करते हैं और इसी के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो आप छात्रों से मैं शेयर करना चाहता हूँ और वो ये है कि जब हम इमोशंस की बात करते हैं तो हमारे लिए हमारे पास बहुत से ऐसे रिफ्लेक्सेस मौजूद हैं हमारे बॉडी में जो ऑटोमेटिकली काम करते हैं और वो रिफ्लेक्सेस कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा हमारे स्पाइनल कॉर्ड से भी जनरेट होते हैं और वो जो रिफ्लेक्सेस जनरेट होते हैं वो हमें बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ हमारे लिए डेंजर हो सकता है या हमारे लिए वहाँ पर कुछ नुकसान की गुंजाइश होती है उन परिस्थितियों में हमारे रिफ्लेक्सेस नेचुरली वो हमें एक तरह का हमारा मसल रिस्पांस जनरेट करते हैं जैसे यदि आपने कभी कोई गर्म चीज़ छुई तो अचानक से आपका हाथ पीछे आ जाता है बिना आपको ज़्यादा समय लगाए ये प्रतिक्रिया हो जाती है क्योंकि रिफ्लेक्सेस जनरली ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होते हैं तो लेकिन रिफ्लेक्सेस और इमोशंस में एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि इमोशंस भी हमारे कुछ हद तक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ज़रूर हैं परंतु वो पूर्ण रूप से ऑटोमेटिक ना होते हुए उन पर हमारा कंट्रोल भी होता है यानी हम उनको अपनी इच्छा शक्ति से अपनी मर्जी से इमोशंस को हम रेगुलेट कर सकते हैं वो किस मात्रा में उपस्थित होंगे या उत्पन्न होंगे होंगे या नहीं होंगे इन सभी पर हमारा एक कंट्रोल होता है जिसकी हम अभी आगे चर्चा करेंगे जब हम इमोशंस के रेगुलेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर हम इसकी भी चर्चा करेंगे तो इस तरीके से रिफ्लेक्सेस जो हैं हमारे बॉडीली रिफ्लेक्सेस इमोशंस उनसे बेहतर हैं क्योंकि हमारा उन पर कंट्रोल भी है और साथ ही साथ वो हमारे लिए कोपिंग फंक्शंस का भी कार्य करते हैं इसके बाद हम बात करेंगे इमोशंस किस प्रकार से हमारे लिए सोशल फंक्शंस में हमारे लिए सहायक होते हैं उसका सर्वप्रथम सबसे पहला जो एग्ज़ाम्पल है और चूँकि ये यहाँ पर डिस्कस करना इसलिए हमारे लिए समझना ज़रूरी है क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है उसे समाज में ही रहना है और वहाँ पर उसे हमेशा दूसरों के साथ सामंजस्य बिठाना है उनके साथ उसे इंटरेक्ट करना है उनके साथ उसे परस्पर संबंध परस्पर मेल रखना है तो इस प्रकार की परिस्थिति में मनुष्यों के लिए सामाजिक परिस्थितियों में इमोशंस का एक बहुत बड़ा योगदान होता है और हम उसकी चर्चा अभी करेंगे सर्वप्रथम सामाजिक परिस्थितियों में हमें इमोशंस की मदद से अपनी भावनाएं दूसरों तक पहुंचाने में बहुत मदद मिलती है या यूं कह लें कि हमें कम्युनिकेशन संप्रेषण में अपने संवेगों से बहुत सहायता प्राप्त होती है और हमारे जो अनुभव हैं या जो हमारी फीलिंग है उस वक्त वो हम दूसरों दूसरे व्यक्तियों तक उसको पहुंचा पाते हैं और बहुत ही हम कह लें इफेक्टिव तरीके से पहुंचा पाते हैं हालांकि भाषा इसका एक बहुत सहज रास्ता है या उसका एक माध्यम है परंतु भाषा कई बार हमें आ, कई बार हमारी सच्चाई को यानी हमारी ट्रू फीलिंग्स को कई बार हम अपनी भाषा से व्यक्त नहीं कर पाते और इसके अगर उदाहरण के तौर पे हम इसको देखें तो हमारे पास भाषा का जो विकास होता है उसकी एक निश्चित आयु होती है यानी कि हमारे पास करीब करीब शुरुआती एक से दो वर्ष के बीच बीच में जब हम हमारे जन्म से आ, एक वर्ष या उसके एक वर्ष से लेकर के दो वर्ष के बीच में भाषा का विकास होता है और इस दौरान हम भाषा को सीखते हैं और अपनी अभिव्यक्ति वहाँ से शुरू करते हैं परंतु यदि हम ध्यान दें तो इसके पहले की जो अवधि है यानी शुरुआती जो वर्ष है एक बच्चे के लिए एक इन्फेंट के लिए एक नवजात शिशु के लिए कम्युनिकेट करने का अपने पेरेंट्स से अपने केयर गिवर से कम्युनिकेट करने का कोई साधन नहीं होता भाषा के रूप में क्योंकि उनके पास भाषा मौजूद नहीं होती तो ऐसे में ये जो बच्चे हैं या ये जो नवजात शिशु हैं ये किस प्रकार से कम्युनिकेट करते हैं इसमें इमोशंस का बहुत बड़ा रोल है और इमोशंस के द्वारा वो बच्चे अपने केयर गिवर को अपने पेरेंट्स को माता पिता को वो ये दर्शाते हैं या वो ये उनको कम्युनिकेट कर पाते हैं कि उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता है या वो कैसा महसूस कर रहे हैं जैसे अगर एक बच्चा रोएगा अगर वो आ, उस वो पेन में होगा अगर उसको किसी तरह की ज़रूरत है अगर उसे भूख लगी है या वो चाहता है कि उसका आ, उसका जो बिस्तर है उसको बदला जाए तो इस प्रकार के जो सिग्नल्स हैं वो बच्चा इमोशंस के थ्रू अपने कम्युनिकेट करता है जिसमें वो आ, रोने की सहायता से यानी क्राइंग के माध्यम से अपने इमोशंस को बता सकता है और साथ ही साथ इससे जुड़ा बड़ा ही एक रोचक तथ्य है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा बच्चों में छोटे बच्चों में चूंकि उनकी परवरिश एक बहुत ही हम ये मान सकते हैं कि एक बहुत ही जटिल कार्य है और साथ ही साथ कई बार वो पेनफुल भी हो जाता है माता पिता के लिए ख़ास करके आज के परिवेश में अगर हम देखें तो इतनी बिजी लाइफ में इतने हैक्टिक शेड्यूल में माता पिता के पास कई बार इतना समय नहीं होता कि वो बच्चों पे ध्यान देते देते उन नवजात शिशुओं की परवरिश करते हुए अपने बाकी काम यानी कि आजकल वर्किंग होने के नाते हस्बैंड और वाइफ दोनों वो बहुत बिजी रहते हैं तो उनका शेड्यूल बहुत हम कह सकते हैं कि पैक रहता है इस वजह से कई बार उन्हें बहुत तनाव हो जाता है और कई बार उन्हें ये महसूस होता है कि वो इस परिस्थिति से बेहतर तरीके से वहाँ पर वो अपना सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं तो एक प्रकार का उनके लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट हो जाती है और ऐसी सब परिस्थितियों में नवजात शिशु से उन्हें किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स भी अगर ना मिले तो ये उनके लिए बड़ा ही कभी कभी एक कष्टकारी कह सकते हैं हालांकि कष्टकारी कहना इसको उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि एक माता पिता के लिए उसके बच्चे का परवरिश करना उनके लिए एक खुद में एक बहुत ही मोटिवेटिंग कार्य है लेकिन कई बार ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस जनरेट हो जाती हैं तो ऐसे में यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चे जो नवजात शिशु होते हैं उनके अंदर भी एक प्रकार की स्माइल करने की उनकी एक टेंडेंसी होती है यानी वो एक इस प्रकार का रिस्पांस जनरेट करते हैं जिससे जो उनके केयर गिवर हैं खास करके उनके माता पिता जब वो उसको ऑब्जर्व करते हैं तो उनके लिए वो एक बहुत सुखद अनुभूति के रूप में होता है क्योंकि जब वो ये देखते हैं कि बच्चा मुस्कुरा रहा है तो इससे उन्हें एक बहुत अच्छी अनुभूति होती है और ये उसके माध्यम से वो ये समझ पाते हैं कि जो मेहनत वो कर रहे हैं या जो भी उन्होंने अभी तक प्रयास किए हैं कहीं ना कहीं बच्चा उसकी वजह से खुश है तो इस नाते उनको खुद भी बहुत खुशी महसूस होती है तो ये एक प्रकार का हम देखते हैं कि इमोशंस यहाँ पर कम्युनिकेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं इसके बाद इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य हमारे लिए इमोशंस करते हैं वो हैं कि वो किस प्रकार से दूसरों को हम हमारे साथ किस तरह से व्यवहार करेंगे दूसरे व्यक्ति जो दूसरे लोग हैं समाज में या हमारे परिवार में या और कोई भी व्यक्ति हमारे साथ किस प्रकार से व्यवहार करेंगे हमारे इमोशंस का इसमें बहुत बड़ा रोल है जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे यदि हम इसको समझें तो एक बच्चा अगर छोटा बच्चा है तो वो उस व्यक्ति के पास जाएगा जो व्यक्ति उससे अगर स्माइल करके अगर वो उसके साथ पेश आ रहा है तो वो बच्चा उसके पास जाएगा और उसको अवॉइड नहीं करेगा और साथ ही साथ एक दूसरा उदाहरण इसको समझने के लिए हम रख सकते हैं उसकी चर्चा हम करेंगे जैसे अगर किसी बच्चे के पास कोई खिलौना है और वो खिलौना उससे कोई दूसरा बच्चा या कोई व्यक्ति अगर उससे छीन लेता है तो वो बच्चा वहाँ पर एक इमोशन शो करता है जिसमें या तो वो एंगर दिखा सकता है किसी प्रकार का गुस्सा वो प्रकट कर सकता है या वो बच्चा वहाँ पर दुख प्रकट कर सकता है यानी वो वहाँ पर सैड होने का वहाँ पर उसका रिस्पॉन्स होगा और वो हो सकता है उस परिस्थिति में वो रोना शुरू कर दे तो ऐसे में जो व्यक्ति सामने है वो या तो उसका खिलौना लौटा देगा या वो अपना अगर वो उसका खिलौना लेने की तरफ बढ़ा भी है कोई दूसरा बच्चा भी यदि है तो वो शायद उसका खिलौना न ले तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि दूसरे हमारे साथ किस प्रकार से व्यवहार करेंगे हम उसको भी अपने इमोशंस के माध्यम से कहीं ना कहीं उसको हम चेंज कर सकते हैं या मैनिपुलेट कर सकते हैं तो इस प्रकार से जो इमोशंस हैं वो दूसरे हमारे साथ किस प्रकार से व्यवहार करेंगे उसको भी प्रभावित करते हैं इसके बाद हम जब बात करते हैं जो तीसरा महत्वपूर्ण सोशल फंक्शन है इमोशंस का जो है कि इमोशंस हमारे सोशल इंट्रैक्शन को यानी जो हमारी दूसरों के साथ सामाजिक परस्परता है जो संबंध हैं उनको वो इनवाइट करते हैं उनको स्मूथ बनाते हैं और उसी के साथ साथ उसको सुगम भी बनाते हैं यानी कि अगर इसको हम एक सामान्य उदाहरण से समझें तो बच्चे हमेशा उस व्यक्ति के पास ज़्यादा जाएंगे जो व्यक्ति उनको हंसमुख या मुस्कुराता हुआ प्रतीत हो या उनको उनसे किसी प्रकार का कोई खतरा महसूस न हो क्योंकि बच्चे अक्सर स्टेंजर यानी जो ऐसे अनभिज्ञ व्यक्ति होते हैं छोटे बच्चे उनके पास जाना प्रेफर नहीं करते या ऐसे व्यक्तियों से वो एक दूरी बनाते हैं लेकिन जब वो व्यक्ति उनके साथ अच्छे से पेश आते हैं उनको एक हैप्पी फेस उनको शो करते हैं तो बच्चे कई बार इस तरह के लोगों से घुलने मिलने में उनको आसानी होती है और वो उनको अप्रोच कर पाते हैं तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि केवल यही नहीं और इसके अलावा भी किस प्रकार से दूसरे लोग हमारे साथ व्यवहार करेंगे और यदि हम किसी से अच्छा अगर अपना इमोशनल रिस्पॉन्स हमारा उनके साथ अच्छा है अगर हम किसी को ये शो करते हैं कि हमें आपके साथ मिलकर बहुत खुशी हुई और हम उसको इस तरीके से अगर वो हमारे इमोशंस को समझ पाया तो वो व्यक्ति हमारे साथ अगली बार हमारे उसके संबंध उससे बेहतर होंगे प्रगाढ़ होंगे तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं जो हमारा सोशल इंट्रैक्शन है उसमें इमोशंस हमारे एक बड़ा रोल प्ले करते हैं और इसके बाद जो अंत में हम कहेंगे कि जो सोशल फंक्शंस में एक महत्वपूर्ण कार्य इमोशंस का है वो है हमारे संबंधों को सर्वप्रथम बनाना फिर उनको मेंटेन करना और उसके साथ साथ उनको यदि आवश्यकता पड़े तो उनको ख़त्म करना और इसके उदाहरण के लिए हम ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति जब हमें उसके साथ रहना अच्छा लगता है या उससे बात करना अच्छा लगता है तो इस प्रकार के जब हमारे इमोशंस वहाँ जनरेट होते हैं तो हम उस व्यक्ति के साथ फ्रेंडशिप करते हैं या वहाँ पर हम अपना ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं और इसके बाद यदि कभी कभी हमें किसी के साथ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है या हम कंटेम्प्ट की अगर बात करें यदि अनादर एक ऐसा इमोशन है जिसमें यदि कोई हमारा तिरस्कार करे या हमारा अनादर करे तो हम उस व्यक्ति के साथ अपने संबंधों को खत्म कर देते हैं और आजकल के जीवन में हम ये पाते हैं कि आजकल के पारिवारिक परिवेश में जहाँ पर कि बहुत सारे लोगों को इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में फैमिली रिलेशनशिप में बहुत सारी टेंशंस कई बार हो जाती हैं उसमें जो बहुत बड़ी शिकायत लोगों की होती है वो कई बार उनके निरादर और तिरस्कार की उनको शिकायत होती है तो इस प्रकार से जो हमारे सोशल इंट्रेक्शन्स हैं सोशल रिलेशनशिप हैं और जो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हैं उन सभी में हमारे इमोशंस का एक बहुत बड़ा रोल है तो इस प्रकार से हमारे जो सोशल फंक्शंस हैं उन सभी में कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसके बाद हम ये बात करेंगे कि क्या हमारे इमोशंस पूरी तरह से जब हमने देखा कि वो हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस के बारे में जब हम ये विचार करते हैं तो हमें ये प्रतीत होता है कि कई बार हमारे इमोशंस हमें बहुत फ़ायदा देते हैं यानी कि उनकी वजह से हमें लाभ होता है हमारे लोगों से अच्छे संबंध बनते हैं हम लोगों के साथ बेहतर कम्युनिकेट कर पाते हैं उनको अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाते हैं जिस वजह से हमारे उनसे संबंध प्रगाढ़ होते हैं लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इसके साथ ही साथ हमारे लिए इमोशंस कई बार ऑपोजिट यानी कि नकारात्मक हमारे लिए रिजल्ट्स देते हैं जैसे यदि हम बात करें एंगर की तो अगर हमें किसी पर गुस्सा आया हो सकता है हमें उसकी कहीं हुई बात पे या उसके किसी कहे हुए या उसके किसी व्यवहार की वजह से हमें ऐसा प्रतीत हुआ हो और हमें गुस्सा आया परंतु आज के समय में हम अगर हमें गुस्सा आता है तो इसका यह अर्थ नहीं कि हम हर बार किसी व्यक्ति पर अटैक कर दें या उसके साथ एग्रेसिवली पेश आएँ क्योंकि इस तरह की जो परिस्थितियाँ हैं और चूँकि बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया उनका ये भी मानना है कि चूंकि इमोशंस बहुत हद तक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होते हैं तो कई बार जो ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज हमारे अंदर जनरेट हुए हैं ये पूर्व में हमारी जो परिस्थितियाँ रही हैं जब हम सामाजिक प्राणी न होते हुए जो माना जा रहा है कि हम पूर्व में हमारा जो एवोल्यूशन के पहले की जो प्रक्रिया है जब हम हम भी प्राइमेट्स की तरह उसी तरह का जीवन व्यतीत करते थे तो वहाँ पर हमारे लिए इमोशंस बहुत महत्वपूर्ण वहाँ पर रोल प्ले करते थे क्योंकि वो हमें इन परिस्थितियों से जो हमारे लिए सर्वाइवल के लिए आवश्यक हैं उन व्यवहारों को हमारे वो मजबूती प्रदान करते थे और उन रिस्पॉन्सेस को वो ऑटोमेटिकली जनरेट करते थे ताकि हम अपनी सराउंडिंग्स में बेहतर तरीके से एडजस्ट कर सकें और सर्वाइव कर सकें लेकिन आज के परिवेश में जब हम देखते हैं कि हमारी इतनी जो सोशलाइजेशन हुआ है कल्चराइज कल्चरल हमारा जो जो एवोल्यूशन हुआ है और साथ ही साथ जो हमारी सिविलाइज सोसाइटी में जो हम अब रहते हैं तो इस तरह के जो हम कह सकते हैं घटनाक्रम हमारे लिए बड़े ही ना के बराबर होते हैं जहां हमें रोज़मर्रा के जीवन में कोई लाइफ थ्रेट हो या किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ा सर्वाइवल थ्रेट हो तो इस तरह की चीज़ें अमूमन अब हमारे सामने नहीं आती तो यहाँ पर इमोशंस हमारे लिए कौन से फंक्शन सर्व कर रहे हैं और यदि कर रहे हैं तो ऐसे में वो हमारे लिए उन फंक्शंस को करते हुए कई बार इमोशंस हमारे लिए कुछ डिस्टर्बिंग रिजल्ट्स यानी कि कुछ नकारात्मक परिणाम भी हमें दे देते हैं तो क्या ऐसे में हमें ये मानना चाहिए कि जो हमारे इमोशंस हैं वो कुछ इमोशंस अच्छे होते हैं या कुछ इमोशंस बैड होते हैं यानी हम कुछ इमोशंस को अच्छे इमोशंस की संज्ञा देंगे और कुछ इमोशंस को हम बुरे इमोशंस की संज्ञा देंगे परंतु विद्वानों को इस पर लेकर इस विचार को लेकर उनके मत अलग हैं उनका ये मानना है कि हमें इमोशंस को खुद में एक अच्छे इमोशन या बुरे इमोशन के तौर पर नहीं समझना चाहिए या नहीं उसकी धारणा बनानी चाहिए क्योंकि इमोशंस चाहे वो किसी भी प्रकार के हों वो सभी इमोशंस हमारे लिए कुछ न कुछ अडेप्टिव कुछ न कुछ हमारे लिए महत्वपूर्ण फंक्शन वो पूर्ण करते हैं इसीलिए वो वहाँ पर मौजूद हैं ये ज़रूर है कि उन इमोशंस के जनरेट होने की जो परिस्थितियाँ हैं वो कई बार अच्छी या बुरी हो सकती हैं पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती हैं तो परिस्थितियाँ हमारे लिए अच्छी बुरी होती हैं इमोशंस अच्छे या बुरे नहीं होते इमोशंस हमारे लिए सदा एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं लेकिन यदि हम इन परिस्थितियों में अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख पाएं और उनको बेहतर तरीके से रेगुलेट कर पाएं तो ये हमारे लिए एक और बड़ी उपलब्धि होगी और ये हमारे लिए इमोशंस जो हमारे लिए फंक्शंस कर रहे हैं उस पर हमारा अपना एक कंट्रोल भी होगा तो इससे जुड़े हुए कुछ बेसिक स्ट्रेटजीज़ हैं जो इमोशन रेगुलेशन के लिए अक्सर देखी जाती हैं जो जो व्यक्ति अपने अंदर इन स्ट्रेटजीज़ को कहीं ना कहीं उनका यूज़ करते हैं हालांकि ये बताने के लिए यहाँ पर मुख्य रूप से ये पांच स्ट्रेटजीज हैं जो यहाँ पर मैंने आपको दर्शाई हैं लेकिन विद्वानों का ये मानना है कि ये पांच स्ट्रेटजीज केवल कैटेगरीज़ हैं यानी कि ये ब्रॉडर कैटेगरीज़ हैं इनके अंदर अनगिनत स्ट्रेटजीज हैं जो व्यक्ति अपनी सराउंडिंग के अनुसार अपनी सोच के अनुसार अपने कॉग्निशन के अनुसार अपनी ज़रूरत के अनुसार वो उन स्ट्रेटजीज में से चुनाव करता है कि कौन सी स्ट्रेटजी किस परिस्थिति में किस समय पर उसके लिए उपयुक्त होगी तो इस प्रकार से उसका चयन जो है उसकी प्रक्रिया अपने आप में एक व्यक्ति विशेष के लिए अलग अलग हो सकती है तो और स्थिति के हिसाब से भी वो अलग अलग हो सकती है तो इस प्रकार से हम इसकी जो पांच महत्वपूर्ण स्ट्रेटजीज हैं उनकी चर्चा करेंगे सर्वप्रथम हम बात करेंगे सिचुएशन सिलेक्शन यानी कि हम सर्वप्रथम जो हमारी स्ट्रेटजी होती है कि कभी भी हम जो भी परिस्थितियां हमारे लिए इमोशन को जनरेट कर सकने की क्षमता रखती हैं उन परिस्थितियों को ही हम इस तरीके से उनका चयन करते हैं कि हो सके तो उस परिस्थिति से हमारा एक्सपोजर ही ना हो या फिर यदि हो तो एक दूसरे तरीके से हो ताकि हमारे अंदर वो इमोशन यदि हमें महसूस होता है या हमें ये उसके बारे में हम ये पहले से अगर अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि इस परिस्थिति में हमारे लिए कुछ आ, ऐसे इमोशंस जनरेट हो सकते हैं जिससे हमें सुखद अनुभूति ना हो जो हमारे लिए अच्छे ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में हम आ, ऐसी स्थिति में हम वहाँ पर जाना या उस परिस्थिति से अपना सामना होने से बचते हैं जैसे उदाहरण के तौर पे यदि आपको आ, किसी ने इनवाइट किया है अपने घर पे और वहाँ पर उनके घर पे पार्टी है और आप वहाँ पर नहीं जाना चाहते क्योंकि आप ये महसूस करते हैं कि वहाँ जाने से वहाँ जाने पर वहाँ पर आपको आ, उन लोगों के साथ मज़ा नहीं आता या उनके साथ आपको अच्छा फीलिंग नहीं आती तो इस प्रकार की जो पार्टी या इस प्रकार की जो गैदरिंग होती है हम कई बार उसको अवॉइड कर देते हैं यानी हम वहाँ जाना पसंद नहीं करते तो हमने ये चुनाव किया कि उस परिस्थिति में हम जाना चाह रहे हैं उसमें हम सम्मिलित होना चाह रहे हैं या नहीं होना चाह रहे हैं तो इस प्रकार से ऐसी कई परिस्थितियाँ हमारे रोज़मर्रा के जीवन में आती हैं जहाँ पर यदि हमें ये प्रतीत होता है कि इस पर्टिकुलर परिस्थिति में हमारे लिए अच्छी अनुभूति हमारे साथ नहीं होगी तो हम कई बार उसको वहाँ पर अपना एक्सपोजर वहाँ से बचाते हैं या उस सिचुएशन को हम सेलेक्ट नहीं करते यानी हम उसकी प्रति अपना बिहेवियर नहीं करते इसके बाद जो दूसरी परिस्थिति है वहाँ पर या जो हम कहेंगे दूसरी स्ट्रेटजीज इसको हम कहेंगे दूसरी स्ट्रेटजी में जिसको हम सिचुएशन मॉडिफिकेशन कहते हैं यहाँ पर व्यक्ति के पास अब ये ऑप्शन नहीं होता कि वो परिस्थिति को फेस करना चाहता है या नहीं करना चाहता लेकिन चूंकि वो इस परिस्थिति में अब मौजूद है और आप ये देखेंगे कि रोज़मर्रा के जीवन में हमारे पास हर बार ये विकल्प नहीं होता कि हम परिस्थितियों को अपने अनुसार चुनें और हर जगह हम हमारे पास ये विकल्प नहीं होता कि हम किसी चीज़ को चाहें तो करें या चाहें तो ना करें कई बार हमें चीज़ें करनी पड़ जाती हैं तो ऐसी परिस्थिति में जब हमें इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है तो हम यहाँ पर प्रयास करते हैं कि ऐसी परिस्थिति में होने के बावजूद हम कुछ इस तरीके से उसको परिस्थिति को मॉडिफाई करें यानी उसकी जो उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं हम उनको इस प्रकार से मॉडिफाई करें कि वो हमारे लिए उपयुक्त हो जाएं या हमारे अंदर इमोशंस जो जनरेट हों उसकी वजह से वो पॉजिटिव इमोशंस हों अगर इसको हम अपने पिछले उदाहरण से दोबारा इसको जोड़ कर देखें तो मान लीजिए आपको उस पार्टी में जाना ही पड़ गया क्योंकि वो आपके किसी बहुत ही खास रिश्तेदार की पार्टी है वहाँ आपको जाना ही पड़ा वहाँ उसको आप अवॉइड नहीं कर पाए तो ऐसे में आप वहाँ जाने के बाद हो सकता है कि आप उस परिस्थिति में अपने किसी पसंदीदा व्यक्ति यानी जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो आप उनसे ही बातचीत में अपना ज़्यादा समय निकालेंगे क्योंकि आप ये चाहेंगे कि अब इस परिस्थिति में होते हुए भी मैं यहाँ के जो हमारे लिए जो बेस्ट पॉसिबल है उस तरीके से हम उसको मॉडिफाई करें और इसको एक दूसरे उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कई बार बच्चों को जैसे स्कूल में जाने वाले बच्चों को कई बार क्लास में या स्कूल में कुछ बुलीज़ यानी कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो उनको परेशान करते हैं वो उनकी कक्षा के भी हो सकते हैं उनकी कक्षा के बाहर से भी हो सकते हैं तो ऐसे बच्चे उनको अक्सर परेशान करते हैं उनको बुली कहा जाता है तो ऐसे बच्चों से बचने के लिए कई बार वो प्रयास करते हैं अगर सिचुएशन सिलेक्शन की हम बात करें तो वो वहाँ पर हो सकता है उस रास्ते से ना जाएं या उनसे ना टकराएं या उनसे बात ना करें परंतु यदि उसके बाद भी वो उनसे सामना उनका हो गया तो ऐसी परिस्थितियों में वो ये प्रयास कर सकते हैं कि वहाँ वो या तो उनसे काउंटर करें या वो हो सकता है उनके साथ हंस के बात करें ताकि वो ये माने कि सामने वाला फिर उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगा या फिर एक वो अपने किसी दूसरे मित्र को भी वहाँ पर ले जाएं ताकि वो उसके साथ सुरक्षित महसूस कर सकें तो इस प्रकार से कई तरीकों से हम अपनी सिचुएशन को मॉडिफाई कर सकते हैं यानी उसमें हम किस प्रकार का इमोशन हमारे अंदर जनरेट होगा कहीं ना कहीं उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं ये दोनों ही जो प्रक्रियाएँ हैं सिचुएशन सेलेक्शन और सिचुएशन मॉडिफिकेशन ये प्रोएक्टिव यानी कि ये हमारे स्तर पे हम इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे हैं और अपनी परिस्थितियों पे हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं इसके बाद की जो दो स्ट्रेटजीज हैं जो अटेंशनल फोकस की बात है और री अप्रेजल की इसमें वो घटना हो जाने के बाद हम किस प्रकार से उस परिस्थिति से या वहाँ पर अपने इमोशन को रेगुलेट करते हैं वो इसके बारे में है जिसमें से अटेंशनल फोकस की जब हम बात करते हैं तो अगर हमारे साथ कुछ अप्रिय घटना हो गई या हो रही है या होने वाली है तो उस तरह की परिस्थिति में हम अपने अटेंशन को यानी जो हमारा ध्यान है उसको हम डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं उसको दूसरी दिशा में लगा सकते हैं ताकि हमारे अंदर वो विचार प्रमुखता से या उसके बारे में जो हमारे नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट हो रही हैं उनको हम कही न कहीं ना कहीं रेगुलेट कर सकते हैं जैसे इसका उदाहरण हम ये ले सकते हैं कि यदि किसी छोटे बच्चे को हम डॉक्टर के पास लेके जाएं और वहाँ पे जाने के बाद बच्चे को अगर ये शंका हो कि वहाँ पर उसको इंजेक्शन लगेगा तो हो सकता है वो बच्चा वहाँ पर भयभीत महसूस करे लेकिन ये भी उसके लिए एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि वो बच्चा वहाँ पर ये ध्यान लगाए कि उसको माता पिता ने कहा है कि अगर आप यहाँ आज डॉक्टर के यहाँ अच्छे से बर्ताव करेंगे तो इसके बाद आपको आइसक्रीम खिलाई जाएगी या कोई चॉकलेट दी जाएगी इस प्रकार का कोई गिफ्ट दिया जाएगा या कोई खिलौना दिया जाएगा तो बच्चा वहाँ पर उस परिस्थिति में अपना ध्यान उस बात पर रखता है यानी कि वो जो डिस्ट्रैक्शन वहाँ पर है उसके लिए जो खिलौना या उसके लिए जो पुरस्कार की वस्तु है वो वहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा और ऐसे में वो बच्चा उस परिस्थिति से एक बेहतर सामंजस्य अपना अटेंशनल फोकस वहाँ पर बनाकर उस परिस्थिति से बेहतर तरीके से वो अपना इमोशन रेगुलेट कर सकता है साथ ही साथ इसमें एक और प्रक्रिया है जिसको मनन की प्रक्रिया कहा जाता है इसमें हम अपने विचारों को आ, किसी पर्टिकुलर दिशा में जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो या हमारे लिए सुखद हो उस बातचीत की तरफ हम अपना ध्यान ले जाते हैं और हम उस परिस्थिति में होते हुए भी अपना ध्यान दूसरी किसी परिस्थिति की तरफ अपना मनन रखते हैं ताकि हमको उस परिस्थिति से उत्पन्न होने वाले जो इमोशंस हैं वो हमको प्रभावित न कर पाएँ और कहीं ना कहीं इस तरीके से हम उसको रेगुलेट करते हैं इसके बाद जो री अप्रेजल की बात है री अप्रेजल में उस घटना के हो जाने के बाद यदि आप इसको उदाहरण के तौर पर रखें तो जब आप कहीं रास्ते में मान लीजिए आप जा रहे हैं और साथ ही साथ आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा है और उस गाड़ी उसकी गाड़ी से आपकी गाड़ी टकरा गई तो ऐसे में आपको उस पर स्वाभाविक रूप से गुस्सा आ सकता है आपको लगेगा कि इस व्यक्ति ने गलत किया और आपको इसके साथ गुस्से से पेश आना चाहिए यानी वहाँ पर आपको एंगर हो सकता है इमोशन आपका जनरेट हो लेकिन यदि इसी परिस्थिति को आप रीअप्रेस करें यानी उस परिस्थिति को दोबारा से आप यदि मूल्यांकन करें और वहाँ आप देखें कि उस बच्चे के पीछे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा है जो मरीज़ की तरह है और उसकी हालत आपको ठीक नहीं लग रही तो आप ये सोच सकते हैं कि हो सकता है ये व्यक्ति इस बूढ़े व्यक्ति को दिखाने के लिए हॉस्पिटल या कहीं लेकर जा रहा हो इस वजह से ये जल्दी में होगा इस कारण से इसने अपनी गाड़ी हमारी गाड़ी से इसकी टक्कर हो गई तो इस तरह का यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं उस परिस्थिति में तो हो सकता है कि आप अपने इमोशन को बेहतर तरीके से रेगुलेट कर पाएं तो ऐसी परिस्थितियां हमारे लिए कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि रीअप्रेजल जब हम करते हैं परिस्थितियों का तो हमको ये लगता है कि आ, हमको इस परिस्थिति में जो इमोशन जनरेट होगा हम उसको रेगुलेट कर पाएंगे तो जो अगली स्ट्रेटजी है जो लास्ट स्ट्रेटजी है इस ब्रॉडर कैटेगरी में वो है सप्रेशन की और सप्रेशन एक ऐसी हम कह सकते हैं कि जो ऊपर की जो चारों स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको पॉजिटिव स्ट्रैटेजी माना जाता है जबकि सप्रेशन एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको नेगेटिव स्ट्रैटी की संज्ञा दी गई है और उसका कारण ये है कि यहाँ पर हम इमोशन क्यों जनरेट होने से नहीं रोक रहे यानी कि इमोशन जनरेट हो चुका है लेकिन हम उसके किसी कंपोनेंट को सप्रेस कर रहे हैं यानी उसको दबा रहे हैं उसको उभरने नहीं दे रहे हो सकता है वो फीलिंग कंपोनेंट हो हो सकता है वो बिहेवियरल कंपोनेंट हो हो सकता है वो एक्सप्रेसिव कंपोनेंट हो इस प्रकार से हम उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं और जब इस प्रकार का कार्य हम करते हैं तो वो हमारी एक सप्रेशन स्ट्रेटजी होती है हालांकि ये माना गया है कि सप्रेशन स्ट्रेटजी हमारे इमोशंस को रोकने के बजाय या कंट्रोल करने के बजाय उसको उसकी गति को और बढ़ा देते हैं कई बार तो इस तरीके से वो नेगेटिवली यानी कि शुरू में तो हमें ये लगेगा कि वो हमारे लिए उन्होंने तात्कालिक रूप से हमें हेल्प किया अपने इमोशन पे कंट्रोल करने के लिए लेकिन बाद में ये हो सकता है कि हमें उस परिस्थिति की वजह से अपने उस सप्रेशन करने की वजह से हमको नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट हो जाएँ जैसे एक सिंपल सा उदाहरण हम इसका ले सकते हैं यदि कोई व्यक्ति आ, अपने कार्य क्षेत्र में अपने ऑफिस में बैठा है और वहाँ पर उसका बॉस यानी कि जो उसका जो सुपरवाइज़र है यदि वो उसको डांटता है और वो उसके प्रति कुछ अपशब्द बोलता है तो ऐसे में उसको वहाँ पर बहुत तेज़ क्रोध आ सकता है लेकिन वो चाहेगा कि वो अपने क्रोध पर कंट्रोल करे अपने गुस्से को दबा दे ताकि वो उसको आ, उसकी वजह से उसको कोई दूसरा नुकसान ना हो उसका बॉस उसे नौकरी से निकाल दे या उसके वजह से उसको कोई और दूसरा नुकसान ना हो जाए तो इस प्रकार से वो अपने गुस्से को वहां पर दबा सकता है सप्रेस कर सकता है लेकिन इसके बावजूद ये जरूरी नहीं कि उसको सप्रेस कर देने का अर्थ ये हुआ कि उसका इमोशन पर पूरी तरह से कंट्रोल हो गया और उसकी वजह से उसे कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस नहीं मिलेगा या नहीं उत्पन्न होगा तो इस वजह से सप्रेशन को एक नेगेटिव रेगुलेशन स्ट्रैटेजी माना जाता है हालांकि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी क्षमता के अनुसार परिस्थितियों के अनुसार हम इन सभी स्ट्रेटजीज में से निरंतर कुछ स्ट्रेटजीज का चयन करते रहते हैं और अपने रोज़मर्रा के जीवन में यानी अपनी डेली लाइफ में हम कहीं ना कहीं अपने इमोशन को रेगुलेट करने में बहुत हद तक सफल भी रहते हैं और ये पाया भी गया है कि जो लोग अपने इमोशंस को बेहतर रेगुलेट कर पाते हैं वो अपनी लाइफ में अपने एकेडमिक लाइफ में सोशल लाइफ में और अपनी पर्सनल लाइफ में हर जगह उनका एडजस्टमेंट यानी उनका जो सामंजस्य है वो बेहतर होता है और जो उनकी ओवरऑल लाइफ क्वालिटी है वो भी बेहतर पाई जाती है इसके बाद हम आज कुछ इमोशन के प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा करेंगे जिसमें हम सर्वप्रथम जेम्स लैंज का जो सिद्धांत है उसकी चर्चा करेंगे और जेम्स लैंच का ये जो सिद्धांत है ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण है इसके लिए इसको समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि इस सिद्धांत यह संज्ञा दी गई है कि सर्वप्रथम ये संवेग यानी इमोशंस के क्षेत्र में यह एक पहला मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है और साथ ही साथ पूरे मनोविज्ञान में उसके शुरुआती दौर में जब मनोविज्ञान का उद्भव हो रहा था उस दौरान में इसको वन ऑफ द मेजर थ्योरीज इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में ये पहली बड़ी मेजर थ्योरी न केवल संवेग से संबंधित बल्कि पूरे मनोविज्ञान में ये एक पहली ऐसी बड़ी थ्योरी एक ऐसा सिद्धांत था जो प्रतिपादित किया गया था और इसके प्रमुख जो प्रणेता थे वो विलियम जेम्स जो कि इसमें उनका नाम भी है प्रथम में जेम्स और बाद में लैंज यानी जो लैंज ने भी इसमें कार्य किया इसमें कंट्रीब्यूट किया इस वजह से इस थ्योरी के इस सिद्धांत को इन दोनों के नाम से जोड़ करके जाना जाता है जेम्स लैंजे सिद्धांत और इसमें प्रमुखता से जो मेजर काम जो किया वो जेम्स ने किया विलियम जेम्स ने और इसमें विलियम जेम्स ने उस दौरान में जब उन्होंने ये आ, हम कह सकते हैं जब ये थियोरी उन्होंने प्रपोज की तो उस वक्त में ये थियोरी ने बहुत ज़्यादा कौतूहल और सेंसेशन पैदा किया लोगों में क्योंकि वहाँ पर इन्होंने जो विचार दिए थे वो जो पहले से मौजूदा विचार थे यानी जो कॉमन सेंस व्यू हम कह सकते हैं जो सहज बुद्धि से लोगों को जो पहले प्रतीत होता था उसके ठीक विपरीत इन्होंने अपने विचार दिए थे और जेम्स लैंज ने ये जेम्स ने प्रमुखता से ये कहा था कि हमारे जो संवेग हैं वो हमारे फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में उसके परसेप्शन की वजह से हमारे इमोशंस जनरेट होते हैं और उसके बाद हमारा बिहेवियर जनरेट होता है यानी कि जो जेम्स लैंज के सिद्धांत के अनुसार इसके पूर्व में जो कॉमन सेंस व्यू था वो ये कहता था कि सर्वप्रथम हमारे अंदर आ, कोई ना कोई आ, अगर हम किसी परिस्थिति का सामना करते हैं तो उसकी वजह से हमारे अंदर कुछ बिहेवियरल रिस्पॉन्स जनरेट होंगे और वो बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज जो होंगे उसमें फीलिंग एक आस्पेक्ट होगा और उसके बाद फिजोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जनरेट होंगे तो इस प्रकार की जो अवधारणा थी जेम्स ने इसको चेंज कर दिया यानी जेम्स ने ये कहा कि हमारा जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है जो हमारा इमोशनल एस्पेक्ट है वो बाद में आता है और पहले जो हमारा फिजियोलॉजिकल चेंजेस वो पहले घटित होते हैं और जब हम उनके बारे में अवेयर होते हैं जब हम उनके बारे में सोचते हैं तब हमारे अंदर इमोशन जनरेट होता है तो इस प्रकार का जो व्यू था वो एक बड़ा ही रोचक भी कह सकते हैं और एक नया तरीका था इमोशंस को देखने का इस वजह से जेम्स का ये सिद्धांत जेम्स लैंड का ये सिद्धांत बहुत ही फेमस हुआ और इस पर बहुत चर्चाएं भी हुई और इस पर आगे बहुत शोध भी हुए और इसी के साथ साथ उसमें एक महत्वपूर्ण बात जिस पर बहुत फोकस किया विलियम जेम्स ने वो ये था कि हर संवेक का अपना एक यूनिक फिजियोलॉजिकल पैटर्न यानी कि उसका एक हमारे अंदर जो शारीरिक बदलाव जो दैहिक बदलाव उससे जुड़े हुए हो रहे हैं इमोशन से वो हर इमोशन के लिए अलग अलग होते हैं यानी कि अगर हम एंगर की बात करें तो एंगर की वजह से हमारे शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं वो हैप्पीनेस की वजह से जो हमारे शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस उससे वो अलग होंगे तो इस प्रकार से विलियम जेम्स ने उस समय बिना किसी बड़ी टेक्नोलॉजी के बिना किसी बहुत ज़्यादा सपोर्ट के उन्होंने ये थियोरी दी थी और इस थियोरी का उन्होंने इसके लिए आ, जो उदाहरण प्रस्तुत किए थे अपनी लेखनी में उसमें उन्होंने जब ये कहा कि हम जब अपने फिजोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज़ को परसीव करते हैं या जब उसके बारे में अवेयर होते हैं तो उसकी वजह से जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है उसकी वजह से हमें भय उत्पन्न होता है या उसकी वजह से हमारे अंदर गुस्सा उत्पन्न होता है या उसकी वजह से हमारे अंदर किसी प्रकार का इमोशन उत्पन्न होता है तो इस प्रकार का जो व्यू जेम्स ने दिया यानी जेम्स लैंज के सिद्धांत ने दिया उसमें प्रमुखता से जो बात उन्होंने कही वो ये थी कि उसके लिए जो उदाहरण उन्होंने उन्होंने दिया अपने सपोर्ट में वहाँ पर उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो वाइन का सेवन करता है या एल्कोहल का सेवन करता है उसी की वजह से उसके जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज़ हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं यानी वो कुछ हद तक थोड़े धीमे पड़ जाते हैं और इस वजह से वो व्यक्ति रिलैक्स्ड महसूस करता है और उसके बाद उसको उस तरह का भय या उस तरह की एंजाइटी उसको प्रतीत नहीं होती क्योंकि उसके जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज़ हैं वो कहीं ना कहीं शिथिल पड़ जाते हैं स्लो पड़ जाते हैं और इस वजह से वो व्यक्ति रिलैक्स महसूस करता है और कहीं ना कहीं इस उदाहरण के माध्यम से उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया कि हमारे जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस या रिस्पॉन्सेज हमारी बॉडी में हो रहे हैं उनका जब हम परसेप्शन करते हैं वो हमें ये सिग्नल करते हैं कि हम कैसा महसूस करेंगे उनके बारे में जब हम सोचते हैं या उसके बारे में जब हम अवेयर होते हैं तब हमें ये समझ आता है कि हम कैसा महसूस करेंगे इसके बाद जो दूसरा उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया जिसको लेकर के बाद में उनकी काफ़ी आलोचना भी हुई उस उदाहरण में उन्होंने कहा कि वहाँ पर उन्होंने एक भालू का उदाहरण दिया और ये कहा कि जब हम भालू को देखते हैं तो सर्वप्रथम हम बिना सोचे समझे हम भागना शुरू कर देते हैं और जब हम भागते हैं तो भागते समय हमारे जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो रिस्पॉन्स जनरेट हो रहे हैं बॉडी में उसकी वजह से हमें जब उसके बारे में अवेयरनेस होता है या जब हमें उसके बारे में पता चलता है तब हमें यह पता चलता है कि हम जो है एक फियर की अनुभूति कर रहे हैं इस केस में तो जेम्स का ये जो व्यू था यह हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह कॉमन सेंस से काफी दूरी रखता है या एक एक दूसरा इसने दिशा यहां पर ली हुई है तो वहां पर उन्होंने ये बताया कि अगर इसको हम देखें तो बाद में इसी उदाहरण की वजह से और उनके इसी जो उन्होंने जो क्रम जो बताया इसको लेकर के काफ़ी आलोचना हुई और इस आलोचना में उसका उदाहरण ही प्रस्तुत किया गया फिर से जिसमें ये कहा गया कि यदि भालू को देखते ही हम भागते हैं तो क्या हो यदि हम एक ऐसा भालू देखें जो पिंजड़े में बंद हो या वो भालू सो रहा हो तो क्या तब भी हम इसी प्रकार से व्यवहार करेंगे और यदि हम व्यवहार नहीं करेंगे तो क्या हम उसके बाद नहीं भागेंगे तो हम वहाँ पर हमारे अंदर वो फियर जनरेट नहीं होगा तो इस तरह की आलोचना उनके कार्य की की गई और उसमें ये कहा गया कि यदि भालू को देखते ही हम ऑटोमेटिकली भागना शुरू कर देते तो पिंजड़े में बं, बंद बंद भालू को देखने के बाद हम क्यों नहीं भागते तो इस तरह की जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो यूज़ किए गए इनकी थियरी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए और इनका एक जो बहुत महत्वपूर्ण क्रिटिसिज्म किया गया जेम्स लैंच सिद्धांत का वो कैनन के द्वारा यानी कैनन और बार्ड एक और जो सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया उसके द्वारा जेम्स लैंज के इस सिद्धांत की काफ़ी आलोचना की गई और उसमें ही उन्होंने ये बताया कि आ, किस प्रकार से और हम इसकी चर्चा आगे उनके सिद्धांत में भी करेंगे आ, कि किस तरह से कैनन और बाढ़ ने अपने सिद्धांत में जेम्स के व्यू के से अलग हट करके क्या बताया तो यहाँ पर हम ये याद करें कि जेम्स की प्रमुख आलोचना इस बात को लेकर के हुई कि जिस तरह से उन्होंने बताया कि किसी इवेंट को या स्टुम्बलस को देखते ही हम वो रिस्पांस या वो बिहेवियर जनरेट हो जाता है और उसके बाद फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं और तब कहीं जा कर के इमोशन जनरेट होता है तो इस व्यू को सबसे पहला जो जो क्रिटिसिज्म इसका हुआ कि हम यदि सीधे किसी स्टमलस को देखते ही अगर हम बिहेवियर जनरेट कर देते हैं तो हम क्यों किसी बंद भालू को देखने के बाद हम दौड़ते नहीं या भागते नहीं वहाँ से यानी कहीं ना कहीं वो प्रोसेस उस तरह से ऑटोमेटिक नहीं है जिस तरह से जेम्स लैंज ने प्रपोज किया इसके बाद जो कैनन बार्ड का सिद्धांत है कैनन बार्ड ने अपने सिद्धांत में और इसमें वॉल्टर कैनन जिन्होंने उस दौर में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर के काफ़ी उस पर कार्य किया और साथ ही साथ उन्होंने फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स और उसमें सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम की भूमिका पर भी काफ़ी कार्य किया और शोध किया और साथ ही साथ उन्होंने अपने जो सिद्धांत जो उन्होंने संवेद के क्षेत्र में उन्होंने प्रपोज किया वहाँ पर उन्होंने जेम्स लैंच के सिद्धांत की ये कहते हुए आलोचना की कि हमारे अंदर जो विसरल ऑर्गन्स हैं यानी वो सॉफ्ट ऑर्गन्स जो हमारे इंटरनल बॉडी में मौजूद हैं जैसे हमारे किडनी हमारा लिवर या हमारे लंग्स या हमारा जो हार्ट है इस प्रकार के जो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं जो हमारे इंटरनल बॉडी में मौजूद होते हैं वो सभी ऑर्गन्स उनकी जो स्पीड है या जो उनका रिएक्शन देने की जो रिस्पॉन्स देने की जो गति है वो काफ़ी धीमी है और इस वजह से इतनी धीमी गति से जो ऑर्गन्स काम कर रहे हों या रिस्पॉन्ड कर रहे हों वो इतना फास्ट सिग्नल नहीं दे सकते कि पहले बिहेवियर जनरेट हो उसके बाद फिजोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट हो और उसके कहीं बाद जा करके इमोशंस जनरेट हों क्योंकि ऐसी कई परिस्थितियाँ देखी गई जब इमोशंस तत्काल उस स्टिमुलस को देखते ही वो जनरेट हो जा रहे हैं यानी वो बहुत फास्ट रिस्पॉन्स है वो फीलिंग जो इमोशन की जुड़ी हुई जो फीलिंग है वो उससे कहीं ज़्यादा फास्ट है इसलिए जो विसरल चेंजेस हमारे बॉडी में हो रहे हैं जो फिजोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट हो रहे हैं कहीं ना कहीं उसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे इमोशन के जो जो जनरेशन का जो पूरा प्रोसेस है उसको प्रभावित कर रहे हैं तो इस तरीके से इन्होंने आ, कैनन ने अपने सिद्धांत में जो बहुत महत्वपूर्ण बात जिस पर उन्होंने फोकस किया जोर दिया वो था सर्वप्रथम हमारे जो सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स हैं यानी हमारे ब्रेन में जो मौजूद जो न्यूरोनल स्ट्रक्चर है और ख़ास करके उन्होंने ज़्यादा जो अपना ध्यान केंद्रित किया वो थैलेमस के रोल पर जो हमारे ब्रेन का रिले सेंटर के तौर पर भी जाना जाता है उसके भूमिका पे उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया और इसीलिए कैनन की जो सिद्धांत है उसमें जो उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है वो है किस तरीके से उन्होंने न्यूरो जो दिशा है इमोशन की स्टडी में न्यूरो दिशा उन्होंने दी और साथ ही साथ उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी एक दिशा दी अपने इस सिद्धांत के माध्यम से कि किस प्रकार से कॉग्निशन और जो बायोलॉजिकल चेंजेस ये दोनों ही जो चेंजेस या ये कह लीजिए कि दोनों ही जो प्रोसेसेस हो रहे हैं संवेग से संबंधित वो दोनों ही इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस हैं और दोनों साइमल्टेनियसली यानी दोनों एक साथ हो रहे हैं इस तरीके से इन्होंने कैनन ने अपने कैनन बार्ड ने अपने सिद्धांत में ये कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हालांकि उनके इस सिद्धांत की काफ़ी आलोचना हुई क्योंकि जिस प्रकार से ये देखा गया कि कैनन बार्ड ने अपने सिद्धांत में इमोशंस को यानी कि जो फीलिंग जनरेट हो रही है और जो फिजोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं उनको इंडिपेंडेंट बताया तो इस प्रकार से इस बात को लेकर के क्योंकि ये भी जो कॉमन सेंस व्यू था उससे काफ़ी हट करके ये सिद्धांत जो प्रपोज कर रहा था वो बात थी इसलिए इसकी भी काफ़ी आलोचना की गई लेकिन इसके बाद हम यहाँ पर ये जरूर देखना चाहेंगे कि जो एक अगला सिद्धांत जो प्रपोज किया गया इस क्षेत्र में यानी संवेद के क्षेत्र में जो एक दूसरा सिद्धांत प्रपोज किया गया वो कौन सा सिद्धांत है और वो महत्वपूर्ण सिद्धांत है सेस्टर और सिंगर द्वारा जो प्रपोज्ड अप्रेजल का सिद्धांत और अप्रेजल का ये जो सिद्धांत था जो सेस्टर और सिंगर ने प्रपोज किया था इसमें इनका जो विचार था वो प्रमुखता से एक आ, जो रिसर्चर हैं आर्नोल्ड उनकी आ, जो उनका आ, उन्होंने जो अपना योगदान दिया था और संवेद का मूल्यांकन सिद्धांत सर्वप्रथम उन्होंने प्रतिपादित किया था उससे ही प्रेरित होकर के सेस्टर और सिंगर ने भी अपना सिद्धांत दिया और यहाँ पर हम आर्नोल्ड के सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे एक डायग्राम की मदद से यहाँ पर आर्नोल्ड ने जो सिचुएशन बताई है इसको उन्होंने कहा कि ये किसी भी प्रकार का हमारे जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी एक घटनाक्रम हो सकता है कोई भी लाइफ इवेंट जिसको हम घटित होने के बाद उसका अप्रेज़ल करते हैं और वो हमारा अप्रेज़ल अमूमन गुड वर्सेस बैड के रूप में होता है यानी कि वो घटना हमारे लिए जो हुई है घटित वो गुड है या बैड है और इसी के साथ साथ उन्होंने इमोशंस की बात की कि इससे जो जनरेट होने वाले इमोशंस हैं वो यूजुअली लाइकिंग और डिसलाइकिंग के वे में उन्होंने उसको प्रतिपादित किया यानी कि या तो हमारे अंदर ऐसे इमोशंस जनरेट होंगे जो हमारे लिए पसंद हम उनको करेंगे या उनको हम नापसंद करेंगे हमारे लिए अच्छे होंगे या बुरे होंगे और उसके बाद जो एक्शन जनरेट होगा वो आइदर हमारे लिए अप्रोच के फॉर्म में होगा या विड्रॉल के फॉर्म में होगा यानी कि जो एक्शन जनरेट हो रहा है वो हम यदि हमारे लिए वो इमोशन लाइकिंग का इमोशन है यानी हम उसे पसंद कर रहे हैं तो हम उस एक्शन को या उस बिहेवियर को अप्रोच करेंगे और यदि वो हमारे लिए वो इमोशन डिसलाइकिंग का है तो हम उस इमोशन को विड्रॉ करेंगे यानी उस एक्शन के प्रति हम अपना रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करेंगे तो इस तरीके से आर्नोल्ड ने अपने इस सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताने का प्रयास किया और इसी सिद्धांत से संबंधित कहीं ना कहीं आर्नोल्ड ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है सेस्टर सिंगर ने भी इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात को आ, कहा और समझाने का प्रयास किया जिसको उन्होंने अप्रेजल थ्योरी के नाम से उसको बताया तो आर्नोल्ड के इस सिद्धांत पर निर्धारित करके उसके आधार पर सेस्टर और सिंगर ने भी अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारी बॉडी में हो रहे हैं उससे जोड़ करके हमारे जो इमोशंस हैं उसके परसेप्शन यानी जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारे अंदर घटित हो रहे हैं उस उसका जब हमें कोई किसी प्रकार का कारण नहीं मिलता यानी उसका अप्रेजल करने के बाद ही हमारे अंदर किसी प्रकार के कोई इमोशंस जनरेट होते हैं तो यहाँ पर हम एक महत्वपूर्ण सेस्टर सिंगर के द्वारा एक शोध किया गया था और इसकी भी हमें चर्चा अभी करनी है और साथ ही साथ हमें जेम्स लैंज का जो सिद्धांत है और कैनन बार्ड द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत है उन दोनों का और उसके साथ साथ, साथ सेस्टर सिंगर का जो सिद्धांत है जो उन्होंने प्रतिपादित किया है उसका एक कंपैरिजन हम करेंगे जो कि अभी समय के अभाव के कारण हम आज अपने इस सत्र में पूरा नहीं कर पाएंगे तो हम ये प्रयास करेंगे कि अपने अगले सत्र में जो हमारा मोटिवेशन का जिसमें हमें डिस्कशन करना है उस सत्र में हम प्रयास करेंगे कि कुछ समय निकाल के हम अपने इस बचे हुए टॉपिक को जो सेस्टर सिंगर के सिद्धांत से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं और साथ ही साथ जो जेम्स लैंज और कैनन बार्ड का जो सिद्धांत है किस प्रकार से ये तीनों ही जो सिद्धांत हैं ये इमोशन के इस प्रोसेस को समझाने में एक अलग अलग पर्सपेक्टिव देते हैं उसका एक कंपैरिजन भी हम अपने अगले सत्र में उसको करने का प्रयास करेंगे तो आज के इस सत्र को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के इस सत्र से आपको संवेग यानी इमोशंस से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य समझने में कुछ मदद मिली होगी और इसी के साथ आज के इस सत्र के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद thank you